राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? हम जी बढ़िया हैं, दुआ है आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है। गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप है, इतनी जोर से लगे ना, मई जैसी हो रही है, मई जून में होती है ना वैसी धूप हो रही है। और फैन 5 पे चला लिया क्योंकि अभी मैं बच्चे को लेके आई हूँ निशु को, और बड़ी जोर की गर्मी है, आते ही फैन चला लिया है। और जी बना के गई थी मैं जूस, मैं तो लेके गई थी थोड़ा फ्रूट्स नहीं वेजिटेबल का, ये देखो मैं ले गई थी और बच्चों को अभी दूंगी क्योंकि फिर तो टाइम ही नहीं रहता। सुबह ये लोग जल्दी चले जाते हैं और ऐसे कभी शेक पी जाते हैं, कभी फ्रूट्स खा जाते हैं, और इसका तो टाइम नहीं रहता। तो अभी ये आज ऐसे आएंगे ना तो रात ही पहले मैं जूस दे दूंगी, अभी बनाया था मैं, जस्ट बना के पी के गई हूँ बस। तो जैसे आएंगे उनको पहले जूस दे दूंगी, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे वो सब करेंगे, बोलो थोड़ा फिर जूस पियेंगे, रोटी बनाऊंगी, तब तक थोड़ा हजम हो जाएगा, अभी और तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर वो लोग ऐसे भूख ही नहीं लगती उनको, खाना थोड़ा कम खा लेंगे तभी जूस दूंगी। और आज बन रहा है, ये तो मिलेट बनाया है जी वही रात के लिए, सब्जी आज छोले की है, ये रखी छोले की सब्जी, सुबह बन गई थी आज, हस्बैंड टिफिन ले गए थे, ये मैंने थोड़े से छोले रखे हैं, योशी को ना ऐसे चटपटे से वो छोले वाली चाट है ना वो बहुत पसंद है, तो ये मैंने बॉईल करके रख दिए थे, इसकी बनाऊंगी शाम को 4 बजे, 4 नहीं 5 बजे से बना दूंगी, तब वो बोलेंगी ना, वो टेस्टी लगती है, मुझे भी टेस्टी लगती है जो चाट बनती है ना वो बनाऊंगी। ये सब्जी है और मिलेट तो बना लिया, आटा लगा रखा है, पम्पकिन डाल के ना आटा लगा रखा, आटा भी मैंने सुबह नहीं थोड़ा लेट लगाया था मतलब, तो आटा लगा हुआ है, तिल भी डाल रखा है। तो बस निशु बोल रही थी, सुबह ही बोल रही थी कि मम्मा पूरी बना के दो, और मैं थोड़ा लेट हो रही थी सुबह, वो लोग सो गए ना, मेरे को छोड़ के आना था, तो मैंने बेटा हमको तेल वेल गर्म होने में जी थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर दोपहर को बनाऊंगी, नहीं तो वो आज सुबह ही जी वो कर रही थी कि छोले की सब्जी तो पूरी लेके जाऊंगी, तो मैं बोली ठीक है दोपहर में बना दूंगी, तो अभी जी पूरी बनाऊंगी आज। और मेरी एक दो बहनें बोलती हैं कि तू सब कुछ बनाती रहती है लेकिन पूरी बहुत कम बनाती है, वो लोग ज़्यादा बनाते हैं, तो आज मैं भी पूरी बना रही हूँ, आज का यही लंच रहेगा। तो अभी पहले तो जूस बना देती हूँ, जूस पियेंगे बच्चे, फिर पूरी बनाते हैं, लंच करते हैं। राम राम जी, और आज का खाना खा रहे हैं, और आज के खाने में गर्मा गर्म पम्पकिन वाली पूरियां, चाय जिसमें बूंदी और जीरा भी गले हुए हैं, और छोले की सब्जी, सलाद थी लेकिन वो हमने पहले खा ली, और नीचे घूर रही है कौन सा खाऊं। पूरी और छोले का ही अलग मजा है, और ऐसा ही चावल और छोले का है, रोटी और छोले भी सही है पर ज्यादा, ये देखो निशु कितना जीरा खा लेगी, फिर चीख मारती रहेगी, ठीक है ठीक है ठीक, देखो जी कितना जीरा खा लिया। और पूरी आ गई, इसको उठा गिराएगी निशु, गर्म है ये, ये जी योशी की चाट बन गई, छोले मैंने बॉईल करके रखे थे, इसमें ना आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो, मैंने नीचे प्याज काट के डाल दिए और ऊपर ही टमाटर डाला है, बाकी चीज़ें ये पसंद नहीं कर रही, मना कर रही है, नहीं तो खीरा गाजर वगैरह वो भी डाल सकते हो, बस यही डाला है, अब नींबू डालेंगे अच्छे से, योशी थोड़ा चटपटा ज़्यादा चाहिए, वैसे तीखा ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, मैं पहले थोड़ी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, जितना आप तीखा करना चाहो बस इतनी डालोगे, नमक और दे योशी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे जी, और ये है चाट मसाला, थोड़ा चाट मसाला और डाल देंगे, तो नमक मिर्च और नींबू डालो तो भी सही लगता है मसाला वगैरह अगर ना हो तो, और इसे खट्टा खट्टा ना टेस्टी लगता है, छोले की सब्जी से ज्यादा टेस्टी तो यही लगता है। डाल दिया, योशी को बहुत पसंद है, निशु भी खा लेती है और मुझे भी पसंद है, इतना सारा चुके है चाट मसाला, मिर्ची बहुत है, तुम खाना नहीं, इतनी ज्यादा मिर्ची नहीं डाली जी, मैंने थोड़ी डाली क्योंकि ये लोग ज्यादा खाएंगे नहीं ना, थोड़ी डाली, हरी काट के डालूंगी फिर इनके मुंह में आएगी, जहाँ पे आएगी वहाँ पे ज्यादा तीखी लगेगी, नहीं ऐसे मत कर, नींबू डाल दिया अच्छे से, पूरा एक नींबू डाल दिया, जब हम छोटे थे ना तो ऐसे गाँव में ना बेचने आते थे जी छोले बॉयल करके, और फिर वो ये मिक्स करके सब देता था, टमाटर प्याज काट के रखता था और थोड़ा थोड़ा डाल के फिर देता था, ऐसे बहुत खाया हुआ तो टेस्टी लगता था, मुझे दे देना तो मत खाना, मिर्ची नहीं है इसमें, देखो ये प्याज खीरे का जब डालने नहीं दे रही नहीं तो वो भी डाल देती, और फिर ऐसे ना अच्छे से नींबू डाल देना, बहुत टेस्टी लगता है, इसी आम में पानी आ गया, नहीं ये बेटा बहुत थोड़ी है, अभी मिर्ची मिर्ची नहीं बहुत ज्यादा है, नहीं है नहीं, योजी सोच रही नहीं सो ना खाए सारा मेरे को ही मिल जाए। ये बन गई जी ऐसी सिंपल सी चाट पर टेस्टी लगती है, चलो अभी लेके चलो। 8 बजे मिलेट है जी खाने में, दाल बनाई है, थोड़ी रोटी भी है,
और ये है इनकी चाट बनाई है मैंने छोले वाले। तो ये दोनों बहनें सबसे पहले यही खा रही हैं। मुझे पता है मिलेट और रोटी का नंबर नहीं आएगा, इससे ही हो जाएगा इनका। ठीक है पहले यही खानी। तो ये है जी आज का डिनर, 8 बज चुके हैं तो डिनर करते हैं। जोशी कैसा लग रहा है? अच्छा, नीचे सारा नींबू सब कुछ। हाँ तो उसको मिक्स करके खाओ ना, ये टेस्ट लगता है। जी मेरे लिए भी छोड़ना, खा लो। खाते हैं जी, नहीं तो बच्चे खत्म कर देंगे। योशी इधर आओ। योशिन जी आज वही सूट पहना है, देखो इसको नया मिल गया ना कि नया सूट सिल दिया मम्मा ने, तो यही पहनना था जिसने, यही पहन लिया और सही लग रहा है। तेरे को कैसा लगा? अच्छा लग रहा है जी इसको भी। तो ये ड्रेस इसने पहन ली आज जी। टाइम हो गया है जी 8:30 और खाना खा लिया है, दूध भी पी लिया है। बस थोड़ा सा बर्तन वॉश करने का काम है और ब्रश करनी, मुँह धोना है। बर्तन वॉश करूँगी तब तक थोड़ी देर हो जाएगी दूध पिए हुए, फिर ब्रश वगैरह करेंगे और सो जाएंगे टाइम से। आज का दिन अच्छा था, दिन तो हर ही अच्छा होता है। तो बस आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप सभी को शुभरात्रि। राम राम जी। आशीर्वाद दे दिया करो, कंजूसी से मत किया करो, तेरे को पैसे थोड़ी मांग रहा है। बड़े जब आशीर्वाद देते हैं ना तो सब अच्छा होता है, तो जो बड़े हों वो आशीर्वाद दे देना। आज जी मैं दूध से फेस को क्लीन कर रही हूँ। अभी सर्दियों का सीजन है ना, दूध भी फेस पे लगाना बहुत अच्छा है। तो चाहे आप मलाई लगा सकते हो या फिर देखो नॉर्मल दूध ले रखा है और एक कॉटन लेकर इससे पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाद चाहो तो थोड़ी देर छोड़ सकते हो और फिर आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो उससे इसे क्लीन करना, देखना चमकेगा चेहरा आपको। फर्क 2 दिन यूज करोगे तो ही दिख जाएगा। कभी एक आदमी मेरा फोन है तो मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन करूंगी, सारी गंदगी निकाल देता है। आपके मार्केट वाले जो क्लींजर आप यूज करते हो ना, सब फैले इसके आगे। तो ट्राई करना। तो मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं और सोते हैं। बच्चों के बालों में ऑयलिंग कर दी है थोड़ा थोड़ा, योशी को अच्छे से लगाया है। तो बस जी अभी मुंह धो के सोते हैं फिर।